लाइए मैं पकड़ लेती हूँ। ए, क्या बचाओ बचाओ, एक मिनट चुप बिल्कुल। अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए, समझे? और बांधिए ना, जल्दी बांधिए। कितना टाइम लेंगे आप लोग? ये तो बताओ कि मुझे पकड़ा क्यों है और तुम लोग कौन हो? मुझे कौन सी दवाई खिलाई है? मेरा पूरा सर ठंडा हो गया है। सर ठंडा हो रहा है? एक गोली इनको भी दे दो। ए भक्त, ये दवाई तो नींद की दी थी, पर इनका सर क्यों ठंडा हो रहा है? अरे नींद की दवाई क्यों खिलाई है मुझे? तुम चुप बैठो ना। तुम बात तो सही कह रही हो, दवाई नींद का खिलाया तो अभी तक ये तो उनको तो कोई असर ही नहीं हुआ, ये तो और जग गई है। तुम दवाई दो, दवाई दिखाओ। खोल मुझे। चुप चुप। दवाई दो। सर दर्द की है। मैया का सासू मैया, ये क्या चूरनगिरी हो गया? हमने पुष्पा जी से कहा था कि हमें नींद का दवाई देना, उन्होंने हमें सर दर्द का दवाई दे दिया, तो नींद का दवाई? हे माँ, मेरी माँ ने नींद की दवाई ले ली तो वो तो चैन की नींद सो जाएगी। पता नहीं आजकल क्या मिलाते दवाइयों में, खाते ही एकदम नशा सा होने लगता है। इतनी नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बेहोश हो जाएंगे। अरे ये मातारी, कोई टाइम है क्या सोने का? ये उठना, उठ उठ उठ, वो गुलगुले आ जाएगा तो मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगी? उठना रे। ए मातारी उठ उठ। क्या तक काय बोला इतना तहिला? ए उठना, रुक रुक, चटक चन्नी को फोन लगाती हूँ मैं। इसका भी असर नहीं हो रहा है, क्या करने का अभी? नंबर यू आर कॉलिंग इज बिजी, please try after some time or call later. हम फोन नहीं उठा रही हैं पुष्पा जी, बताइए। माँ ये क्या किया तुमने, क्या किया? कौन सी गोली खा ली थी, कौन सी गोली खा ली? ये तो ऐसा हो गया कि सीधे पैर में उल्टा जूता, उल्टे जूते में सीधा पैर। एक बिल्लू जी, तुम दोनों इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो ऐसा है कि बहुत गड़बड़ हो गया है, क्योंकि क्या है, सासू मैया सो गई होगी। हाँ। अब बुलबुल आएगा, उर्मिला से सवाल करेगा उल्टे सीधे, और उर्मिला कहीं कुछ पक ना दे तो और दिक्कत में आ जाएंगे हम। इसलिए हमें जाना होगा और तुम दोनों को इसको संभालो। क्या खोलो, खोलो, चुप बैठो, चुप बैठो, इसको कैसे संभाले? मुझे जाने दो, जाने दो, चुप बैठो, नहीं तो ये कंबल ठूस दूंगा ये ऐसे, चुप। अरे छोड़ो मुझे। आओ संतू जी, ये कहां से सिंगाड़े से? नहीं। अरे कोई है? हेलो मैडम, देखिए आपके थाने पे खतरा बन रहा है, इसलिए आए यहाँ पे। अरे खर्राटा नहीं, खतरा खतरा। हेलो, ए क्या? कुछ नहीं, हम आपको आगाह करने आए थे कि आपका थाने के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, कह रहा है। अरे तू जिधर मंडराएगा उधर खतरा तो मंडराएगा ना भलू। कौन सा भाषा बोल रही है? अबे मुंबई की भाषा है, पर तुझे क्या समझ में आएगा? तुम्हारा बाप भी कभी गया है मुंबई? ऐसा आप कहते सर, हमारे बारे में अगर हम आपकी जगह होते तो। अब जो काम करना आए हैं वो करे, हम कहाँ रोक रहे हैं आपको। अरे तो आईडी निकाला ससुरा। दे रहे हैं, लीजिए। ओके मैडम, ओ मैडम, ये आईडी में जो फोटो है वो आपका हसीना मलिक मैडम का है कि नहीं बताइए जरा। हाँ वो आप गौर से देखिए, आप ही का फोटो लगा हुआ है, देखिए गौर से जरा। वो पकड़ो उस उर्मिला महादेव माता को और उसको ना जेल में डालो। है बड़ी हसीना मलिक बनकर घूम रही है, हमारी भावनाओं के साथ खेल रही है। ओ फ्रॉड, फ्रॉड है, फ्रॉड, एक नंबर की धोखेबाज। इनको कैसे पता कि इस आईडी में जो नाम है वो उर्मिला महादेव मात्रे का है? कैसे कैसे पता? अभी आप भी तो बोले, आप ही ने तो नाम लिया उर्मिला महादेव मात्रे का, उर्मिला महादेव मात्रे का आईडी है। ये बात बुलबुल पांडे को बिल्कुल पता नहीं होनी चाहिए। बहुत ही काइया और उल्टी खोपड़ी का आदमी है, अगर उसको सच पता चल गया ना तो बहुत बवाल खड़ा कर दे। अब ये बात तो हम बोले नहीं, ये बात इनको कैसे पता चली? ये बात तो पूरा लखनऊ जानता है।
आप इस बात पे रोशनी डालेंगी कि ये जो पुष्पा जी है हमारा नाम ले लेके का बतिया रही थी, का सच जो है वो हमसे छुपाना है का? अरे बुलबुल पांडे क्या करते हो, अब नींद में जो आदमी बात कर रहा है उस बात का कोई मतलब होता है क्या? होता है, होता है। जाने दीजिए, इनकी बातों को आप सीरियसली मत लीजिए, इग्नोर इग्नोर। अभी देखना, अभी जाग जाएगी ना तो कुछ और ही बोलेगी। रोज करे अपना। बाबा बारिश बारिश हो गई, बारिश टिप टिप बरसा पानी, तंग 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 तंग। हम अपने पुलिस का नौकरी का अनुभव को सामने रख के कह सकते हैं कि यहाँ जरूर कौन खिचड़ी पक रहा है, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा और जो दिखाई दे रहा वो है नहीं, लेकिन हम पता लगा के रहेंगे कि का खिचड़ी पक रहा है। चल नीच चे नीचे असर राजापुर पुल के नीचे एकदम ठंडा ठंडा रसमलाई मिलता है, चलिए ना आपको खिला के लाते हैं। दिल में तो आप रोशनी डाल सकती हैं कि सब क्या हो रहा है। अरे कल डालूंगी रोशनी, नहीं तो अभी सेकंड राउंड में अगर उठ गए ना ये तो तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन लेगी। हाँ ठीक है ठीक है, फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे सवालों के जवाब अभी हमें मिले नहीं है। हम दोबारा जरूर आएंगे। किधर है चटक? एक अपने चटक चांदनी, जल्दी आ, तेरी सास को संभाल। का दिक्कत हो गया आज तुम्हारा? क्या बार बार फोन करके काय परेशान कर रही हो हमको? का हो गया? काय के लिए तेरा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे थाने का परमानेंट दुश्मन वो भालू बुलबुल पांडे, वो आया था इधर, दुनिया भर के सवाल कर रहा था, कड़ाई की खुरचन निकाल रहा था। हाँ ठीक है, लेकिन किसी ने कुछ बका नहीं ना, उसको कुछ पता नहीं चला ना। इनको मैं कुछ नहीं बोली, पर ये जटायु की मौसी तेरी फेवरेट सास नींद में ही सब कुछ बड़बड़ाते हुए सब कुछ बोल गई। अभी उसको क्या समझा क्या नहीं समझा मेरे को नहीं मालूम, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। हुआ कहाँ है इनको ये? ये कि रुक बताती, देख लेंगे सबको, सबको देख लेंगे। आज करके जो हमारी नागिन बहू है ना उसको, किसी दिन ऐसा मुस्लिम में देखे ऐसा कूटेंगे ना भैया, ऐसा कूटेंगे ना कि जिंदगी भर एक ही बात निकलेगी मुंह से। सास तो देखी बहुत मगर तुमसे ना देखी, ऐसा सबक सिखाएंगे ना, ऐसा सबक सिखाएंगे जिंदगी भर याद रहेगी। सच 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 में नींद में कहाँ पता होता है इंसान को कि वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, होता है ऐसा? नहीं कुछ नहीं होता है, इंसान तीन ही सूरतों पे जो है ना वो सच बोल देता है, एक जब वो बहुत गुस्से में होता है, एक जब वो मजाक कर रहा होता है, एक जब उसको नींद आती है, जब वो नींद में होता है। मैं तो नशे में भी बोलती है। तो आपके ना ये ऐसी बात नहीं निकल गया, आपके दिल की बात है पुष्पा जी जो जुबान से आज बाहर निकल आई और हमको पता चल गया। नहीं नहीं ऐसे आपको वैसे भी हमें पता है, आपको प्रतिशोध लेना आप मौका ढूंढती हैं, आपके अंदर आप ना ददंग रही हैं कि कब कब हम ये बहु नाम का काटा अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल के उसको बाहर फेंक दे, सब समझ में आता है हमको। नहीं 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 ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मैडम मैडम मदद कीजिए, मैडम मैडम मैं बर्बाद हो गया, मैडम मैडम मेरी बीवी नहीं दिख रही है, शायद किसी ने उसका अपहरण कर लिया। इसकी मैया की सासू मैया कौन है वे, किसका हिम्मत हुआ? हमको क्या पता मैडम, मैडम वो तो आप ही ढूंढ सकती हैं। नहीं नहीं पर बहुत अच्छा हुआ भाई साहब आप यहाँ आ गए, क्या हम आपसे बात करने वाले थे। रॉबिन है ना उसके माता पिता आए थे, उन्होंने आके हमको बताया कि उसका अपहरण हो गया है, तो उसका नंबर ट्रैक किया तो पता चला कि आपकी बीवी उनके साथ में है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि रॉबिन आपकी पत्नी को भगा कर ले गया है। इनकी बीवी रॉबिन को भगा कर ले गई होगी? हाँ झूठ है ये, मेरी पत्नी और उस लड़के में ऐसा कुछ भी नहीं है।
पर आप ही ने कहा था ना वो प्रेम पत्र लिखा है उस लड़के ने आपकी बीवी को, कुछ तो चल रहा होगा ना फिर। झूठ बोला था मैंने, वो लव लेटर उस लड़के नहीं, मैंने लिखा था उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कराने के लिए, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ मेरे पार्क में आना बंद कर दे। अच्छा, और वो मोबाइल चोरी का इल्जाम जो उस लड़के पे लगाया था? हाँ? वो भी झूठा था, वो भी अपने दोस्तों के साथ मेरे पार्क में आकर खेलता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने सोचा रोबिन की चिरा उसका भी पार्क में आना बंद करवा दूं, इसलिए मैंने उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई। मैडम मैडम आप कहते हैं मैं रिपोर्ट वापस ले लूंगा, उस लड़के को भी छुड़वा दूंगा। मैडम मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आपकी पत्नी कहीं नहीं गई है। क्या? जी, वो हिफाजत से हमारे पास है। छोटा सा ऐसे ही प्रपंच रचा आपके साथ ताकि आपके मुंह से जो है वो सच बाहर आ जाए और आपने उगल दी। अब समझाएंगे हमको काहे चिरमिराते हैं आप, अगर बच्चे गार्डन में आके खेलते हैं तो आपको क्या दिक्कत हो जाता है। जी, बहुत समय पहले की बात है, जब मैंने घर लिया था तब वहाँ कोई पार्क नहीं था, घर से लगा हुआ बहुत सुंदर बगीचा था जिसमें ताजी घास सुंदर फूल खिला करते थे। मैंने बिल्डर को 2 लाख ज्यादा दिए ताकि नजारा घर के सामने रहे। कुछ समय बाद पार्क बन गया, लड़के आकर खेलने लगे, घंटों खेल खेल कर टाइम पास करते, गंदगी करते, शोर मचाते, मुझे सब अच्छा ही लग रहा था, इन्हीं सब से चिढ़कर मैंने सब किया। नहीं, मगर ये बच्चे अगर नहीं आएंगे तो कोई और बच्चे आ जाएंगे, कितनों को आप भगाएंगे, कितनों पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे आप? भगाऊंगा, जो भी खेलने आएगा सबको भगाऊंगा, वो पार्क मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। काम का करते हैं आप? जी टीचर हूँ, घर में कोचिंग क्लास चलाता हूँ, बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं और साइड में इंश्योरेंस का काम भी करता हूँ। आइडिया, क्या कुछ बकोगी भी का कुछ बताएंगी, क्या आइडिया है? एक काम करते हैं, आप जो है उस पार्क में टिकट लगा दो, बच्चों को बोलो पार्क में घूमने का है तो 10 रुपए दो, 10 रुपए का टिकट लो, फिर जितना घूमने का है घूमो, तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम्हारा पार्क है, तुमने 2 लाख रुपए दिया है उसको सब करने का, तो उसका पैसा तो मिलना चाहिए ना तुमको, बराबर है कि नहीं? तो टिकट लगा दो। जी लेकिन पब्लिक मुझे पैसा क्यों देगी? अरे क्यों नहीं देगी, उनको पार्क में घूमना है तो पैसा देना पड़ेगा। और सोसाइटी? सोसाइटी वालों से हम बात कर लेंगे, उसका टेंशन आप मत लो। जी हमें मंजूर है। अब आप तुरंत जाइए जानकीपुरम थाने, वहां से उस बच्चे का कंप्लेन वापस लीजिए, उस लड़के को छुड़वाइए और कल से ही पार्क के बाहर टिकट काउंटर लगा दीजिए। जी अभी जाता हूँ। थैंक यू मैडम। अब समझाओगी क्या प्रपंच चल रहा है टिकट का तुम्हारे अंदर? अरे समस्या सबको पता है कि उनके सोच में जो जिद है ना कि ये पार्क उनका प्रॉपर्टी है उसकी है, उसको कैसे हल करोगे तुम ये टिकट का काउंटर लगवा कर? हाँ समझाओ हमें। अरे डार्लिंग, डायरेक्ट हसीन दिलरुबा ने मेरे भेजे में आइडिया भेजेला है, तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। वो सब छोड़ो, सबसे पहले अपने को उसकी सोसाइटी वालों के पास जाना है, उनको अपने प्लान में शामिल करने का है। और बुलबुल पांडे का क्या करोगी? हसीना मैडम के चेहरे पे उर्मिला महादेव मात्रे का आईडी, ये जो उसका दिमाग में फितूर है ना, ये जल्दी निकलने वाला नहीं है। तुम लोग ना बहुत हल्के में लेते हो मेरे को। अरे तुम लोग को इतना अच्छे से उल्लू बनाया मैं कि मैं हसीना मलिक है, तो उस बुलबुल पांडे से तो मैं हसीना मलिक के नाम का आधार कार्ड बनवाएगी, देखते जाओ तुम। और आप भूलेंगे नहीं? कौन सी बात? वही जो नींद में निकल गई। हम्म, यहाँ लगा हमको बहुत जोर से। लेंगे लेंगे, हिसाब चुकाएंगे उसका, प्रतीक्षा कीजिए बस उस दिन का। ये सरदर्द बिना वो दवाई की वजह से सर। आप ये आदमी हमको कांस्टेबल का नाम है चूहा चतुर्वेदी, चीता चतुर्वेदी जैसा लग रहा है ससुरा। बिल्कुल सही समझ रहे हो बुलबुल पांडे। मैडम सर। जैन मैडम। जैन सर। जय, ये चीता चतुर्वेदी ही है। कहिए असीना जी। पुष्पा जी, ये रहा अमित का स्टेटमेंट। अमित ऑफिशियली चीता चतुर्वेदी के खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस ले रहा है।
उसका कहना है इट्स अ मिस्टेकन आइडेंटिटी, ये वो नहीं है जिसके खिलाफ वो कंप्लेन लिखवाना चाहता था। तो अब कानूनन तुम इसे एक मिनट भी रोक कर नहीं रख सकते। सही कहा मैडम, अमित जी तो पहले ही सारी कागजी कार्रवाई करके जा चुके थे, सर तो छोड़ने ही वाले थे, काहे सर? अरे हाँ बोल दीजिए, नहीं तो फुल बेइज्जती हो जाएगा अभी आपका। हाँ छोड़ने ही वाले थे, कहा कि हसीना जी केस तब तक केस रहता है जब तक उसमें कोई संदिग्ध बात रहता है। हो सकता है जैसे कि आप कह रही है कि केस जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी का है, लेकिन कहा कि हम इस केस का जो है उत्तराधिकारी है तो हमारा हक है कि सवालों का जवाब जानने का, कि काहे वहां पे भेज जो है गेटअप बदल के गया था है? और काहे उसके पास वो फर्जी आइडेंटिटी जिसपे फोटो जो है आपका है लेकिन नाम जो है वो उर्मिला महादेव महात्रे का है। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले तू क्या करता था रे? आप क्या करते थे? अरे मैडम बहुत फेमस हलवाई थे, शादी ब्याह में पंतुआ तलते थे। तो उधर ही रहता, फोर्स का ज्वाइन किया? मतलब पुलिस वर्किंग के बारे में तो आप जानते होंगे ना बुलबुल पांडे, भेस बदलना, अलग गेटअप में तहकीकात करना, ये सब एक केस की तह तक पहुंचने के तरीके हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक उसी तरह चीता चतुर्वेदी का गेटअप बदलना, हमारा नई आइडेंटिटी बनाना, मुंबईया तरीके से बात करना, ये सब एक केस के सिलसिले में ही है, और इससे ज्यादा हम आपको बताना जरूरी नहीं समझते। तो आपका हो गया हो तो हम चले। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। राउंड में खेलने जाना है, तब तक जरूर बोलेगा। हेलो मैडम, उर्मिला के प्लान के मुताबिक अमित की सोसाइटी वालों ने अमित के यहाँ ट्यूशन पर आने वाले बच्चों से एंट्री फीस लेना स्टार्ट कर दिया है। ये क्यों बंद करके रखा है? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अमित सर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने। अंदर जाने के लिए टैक्स लगेगा। किस बात का टैक्स? ये सड़क सोसाइटी की है, पर बच्चा 10 रुपए। डेली इतना पैसा तो नहीं दे सकते, कहीं और ट्यूशन लगाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे बाकी बच्चियाँ कहाँ गई? पता नहीं सर। बच्चों आज की छुट्टी, कल सबके साथ पढ़ेंगे हैं? हाँ तो अरे कोई रिपोर्ट लिखो मेरी सोसाइटी वालों के खिलाफ। अरे बस चाचा बस, क्या हो गया? क्या हो गया भाई साहब, आप इतना काय बिल बिला रहे हैं, आप क्या हुआ? मेरी सोसाइटी मैडम, उन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है। ट्यूशन पढ़ने आने वाले बच्चों से टोल टैक्स मांग रहे हैं, कह रहे हैं इस रास्ता सोसाइटी का है, पैसे देने पड़ेंगे अगर इस पर चलकर ट्यूशन पढ़ने जाओगे तो। अरे तो फिर आपको बोलना चाहिए ना कि ये तो आम रास्ता है, यहाँ कोई भी चल सकता है, सबके लिए है, इसके चलने के लिए कौन सा टोल टैक्स? हाँ बोला तो कहते हैं कि सोसाइटी ने 2 लाख रुपए खर्च किए हैं सड़क को बनवाने के लिए, तो कायदे से सड़क सोसाइटी की हुई, अगर कोई बाहर का व्यक्ति से यूज करना चाहता है तो उसको यूज करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। सार्वजनिक जगह में सबका हक होता है, सबका अधिकार होता है, कि सोसाइटी वाले कौन होते हैं किसी को यूज सड़क यूज करने से रोकने वाले और उसके लिए पैसे लेने वाले? सर एक सेकेंड, आपकी सोसाइटी में जो पार्क है ना वो भी पब्लिक पार्क है, तो आप कौन होते हो लोगों को वो पार्क में आने से रोकने वाले, उनसे पैसे लेने वाले? देखिए ऐसा है कि कुछ साल पहले जब आपको गार्डन का नजारा चाहिए था उसके लिए आपने 2 लाख एक्स्ट्रा दिए थे, वो आपने बहुत गलत किया था। वैसे ही अगर सोसाइटी बोलती है कि वहाँ के मेंबर को उस सड़क पे चलने का अधिकार नहीं है, वो भी गलत है। सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर को वहाँ पे चलने का बिल्कुल अधिकार है। वैसे ही आपका जो गार्डन है ना वो सार्वजनिक है, वहाँ पे सबको आने का अधिकार है, आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। बच्चे आएंगे, बच्चे खेलेंगे, वॉक करेंगे, दौड़ेंगे, उनका अधिकार है वो, आप उनका अधिकार उनसे नहीं छीन सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप सही कह रही हैं मैडम, मैं इतने साल से उस जगह रह रहा था तो उस प्रॉपर्टी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगा। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं वाकई में गलत था। जो कि अब तेरे भेजे में बात, जो कि अब बात तुम्हें आपको समझ में आ गई है तो हम आपको ये सच बता दें कि दरअसल ये टोल टैक्स वाला आइडिया भी हमारा ही था, आपकी सोसाइटी के साथ मिलकर हमने किया था ताकि हम तुम्हारे भेजे का ऑयलिंग ठीक कर सकें। मतलब
आप सब लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची थी। हाँ। अच्छा हुआ आप लोगों ने मेरी आज आंखें खोल दी, वरना जिंदगी क्या है, आज है कल नहीं है। आप लोगों ने बहुत मदद की, उसके लिए आप लोगों को एक सैल्यूट तो बनता है।